गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएसपी क्लासेस। हम देख रहे थे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, और हम क्या देख रहे थे, हमने जीवाणु जनित रोगों को देख लिया था और विषाणु जनित जो रोग है वो हम कल देख रहे थे। और उसमें से हमने कौन कौन से कवर कर लिए थे, इन्फ्लुएंजा वायरस जनित जो रोग है उसमें हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में, सॉरी राइनो वायरस के बारे में कल देखा था। राइनो वायरस यानी कॉमन कोल्ड जो है वो सबको होता है, आप सबको जुखाम हुआ हुआ है, तो जुखाम जो है वो कौन से वायरस की तरह से होता है, के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण होता है, और इसके बारे में हम देख चुके थे। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी में जो है वो आगे बता नहीं रखा, कि इतना ही बता रखा है कि वायरस जो है वो उससे कई बीमारियाँ होती हैं और वो दरवाजे कंप्यूटर कीबोर्ड आपस में शेयर करने से फैल जाती हैं। उसके बाद सीधा ही एनसीईआरटी में कौन से बीमारी के बारे में बता रखा है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन डिसऑर्डर के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करने से पहले कुछ वायरल डिजीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि वो एग्ज़ाम की डिमांड भी है ना। तो देखो वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डेंगू। ठीक है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा डेंगू का। तो डेंगू जो है एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस से होती है, डेंगू वायरस से ही होती है, और इसको एक मच्छर जो है इस वायरस को कैरी करता है, और उस मच्छर का नाम है एडीज मॉस्किटो, एडीज। ठीक है, पहले के मच्छर जो है वो ऑल आउट से मर जाते थे, आजकल के नहीं मरते हैं ना, नहीं मरते ना, तो एक बैट भी आने लग गया है मच्छर को मारने के लिए। ये जो मच्छर है, जैसे डेंगू को फैलाने वाला मच्छर है एडीज, मलेरिया को फैलाने वाला मच्छर है एनाफिलीज, अभी हम देखेंगे आगे। उसके अलावा और भी कई मच्छर हैं जो बीमारियां कैरी करते हैं, है ना, इसलिए अपने घरों के आसपास में लोग पानी इकट्ठा नहीं होने देते, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। लोग अपने घरों के आसपास नाली में कचरा इकट्ठा नहीं होने देते, क्यों, क्योंकि देखो नगर पालिका भी अपने छिड़काव करने आती है दवाइयों का, ताकि मच्छर पनपे नहीं, मच्छर के लार्वा पनपे नहीं। जितने कम मच्छर होंगे उतने ही हम क्या रहेंगे, बीमारियों से सेफ रहेंगे। आप लोगों को पता है एक फिश आती है गैम्बूशिया फिश, जो कि मच्छर के लार्वा को खाती है, अगर तुम उसको घरों के आसपास नाली में छोड़ दोगे ना, तो वहाँ के मच्छर अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो फिश जो है उनके लार्वा को खाएगी, है ना। तो गैम्बूशिया नाम से फिश भी आती है। चलो ये तो एक्स्ट्रा में ऐसे ही मैंने बता दिया। डेंगू के बारे में देखो, डेंगू बुखार एक कष्टदायक शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है। मेरे को भी हुआ है डेंगू। ठीक है, जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने का काफ़ी अधिक जोखिम होता है, क्योंकि डेंगू से जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ना, इसमें पैर हाथ में दर्द रहता है, बहुत तेज़ बुखार आती है। और डेंगू का एक मेन लक्षण ये है कि ह्यूमन की जो प्लेटलेट्स हैं, जैसे तुम्हारे कोई चोट लग जाए तो वो खून जो है वो थोड़ी देर के बाद बहना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो थक्का जमा देती हैं खून का। लेकिन डेंगू बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट जो हमारी 2 लाख 2.5 लाख तक होती है, उसका काउंट जो है वो एकदम से गिर जाता है, 40,000, 30,000, 20,000 तक प्लेटलेट्स आ जाती है। तो ये एक क्या है, खतरनाक बीमारी है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज़ बुखार आती है, शरीर पर दाने भी निकल आते हैं, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में रक्त स्त्राव, अभी बताया ना मैंने, क्योंकि खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, इसके कारण रक्त स्त्राव हो सकता है और सदमा होता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। कोई भी बीमारी सुनने में तो आम लगती ही है, लेकिन अगर वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, इलाज का सही समय पर इलाज नहीं लिया जाए, तो वो खतरनाक हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं होगा। डेंगू जो है वो एक से दूसरे में जुखाम की तरह नहीं फैलता है, इसके बजाय डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। तो समझ में आई आपको ये बात। इसके कुछ लक्षण दे रखे हैं बेटा, अचानक से तेज बुखार 105 डिग्री तक का, गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, डेंगू की जो थकान है ठीक होने के 1 महीने तक भी रहती है, जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, त्वचा पर लाल चकते और बुखार आने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं। कोई भी बीमारी जब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसके लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते। बीमारी होने के यानी जब भी कोई जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, कोई भी जीवाणु हो चाहे विषाणु हो, उसके 2 से 5 दिन के बीच में लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत नहीं दिखाई देते। ठीक है, और हम कब ध्यान देते हैं, जब लक्षण दिखाई, अब मम्मी डॉक्टर के पास चलो मेरे बुखार है, तो बुखार जो आई है वो संक्रमण के 3 से 5 दिन बाद आई है। हल्का रक्त स्राव, डेंगू में लोगों को बोलते हैं कि भाई ब्रश नहीं करना,
क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा भी खींचातानी की ना, तो उससे रक्त स्त्राव हो सकता है, ठीक है, मसूड़ों में खून आना, और ज़्यादा अगर ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो उससे इंटरनल ब्लीडिंग से भी डेथ हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर जो है डेंगू में एडमिट रखते हैं पेशेंट को, क्योंकि सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहते हैं, समय समय पर उसके प्लेटलेट की जाँच करते रहते हैं, है ना। और हमारे देसी नुस्खे तो हैं ही जिंदाबाद, लोग बकरी का दूध और उसके पपीते के पत्ते जो हैं कहते हैं कि खाने से डेंगू ठीक होती है। अब किसको कितना पता है, क्या कितना सच है ये तो नहीं पता। डेंगू का संक्रमण मुख्य रूप से वायरस से संक्रमित एडीज एजिप्टी, मच्छर का नाम याद रखना, ये लीजिए ये है वो मच्छर, ठीक है, एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ध्यान से देख लो, इन दिनों में फैली हुई है डेंगू। मच्छर के काटने पर वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है और फैलने लगता है। प्लेटलेट्स में गिरावट, प्लेटलेट्स में गिरावट के लिए एक साइंटिफिक शब्द यूज करते हैं बेटा, उस शब्द को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपनिया, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपनिया अगर आपके शरीर में देखने मिल रहा है तो मतलब आप डेंगू के शिकार हो चुके हैं, नामक स्थिति के कारण होती है। अस्थि मज्जा सीधे दमन या एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया और एंटीबॉडी को जगह से धकेलने के माध्यम में से, हालांकि डेंगू वायरस प्लेटलेट को नष्ट नहीं करता, लेकिन यह प्लेटलेट काउंट और फंक्शन को खराब करने वाली जटिलताओं को ट्रिगर कर देता है। ये प्लेटलेट्स के काउंट को एकदम से नहीं गिराता, लेकिन ये प्लेटलेट की क्वालिटी को खराब कर देता है, जिसके कारण जैसे ही हम टेस्ट करवाते हैं ना तो उसमें क्या आता है कि भाई प्लेटलेट काउंट कम है, यानी आप क्या हो, डेंगू पॉजिटिव हो, है ना। तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, है ना। तो डेंगू के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। और अगर पेपर में वायरस जनित बीमारियां आ गई तो आप क्या, बुक में तो सिर्फ एक जुखाम के बारे में दे रखा है, राइनो वायरस, उसके अलावा भी आप लिख के आ सकते हो डेंगू के बारे में कि डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है और ये जो है एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलती है। इसमें थकान आती है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। अब देखो रेबीज, रेबीज जो है बेटा वो कुत्ते के काटने से होती है, नॉर्मल कुत्ते के काटने से नहीं, पागल कुत्ता जिसको बोलते हैं ना उसके काटने से बीमारी होती है, और अगर सही समय पे इसका ध्यान नहीं दिया जाए तो रेबीज से मौत हो सकती है, और मौत निश्चित है ये मानो। इसका कोई टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर वो 14 टीके जो लगते हैं वो लगवा लिए जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगवाए, अपन ने इग्नोर कर दिया। एक बार एक न्यूज़पेपर में एक स्टोरी भी आई थी कि एक आईएएस ऑफिसर को एक कुत्ता खा गया था, और वो आईएएस ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया, उस कुत्ते को ढूंढा भी, उसको पता किया कि कौन कुत्ता खाया था, उन्होंने इग्नोर किया, कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो कुत्ता जो था उसको रेबीज था, कुत्ते की लार में ये रेबीज वायरस होता है, है ना। तो ये जो गली में कुत्ते होते हैं ना, काटने को दौड़ते हैं, इनकी पहचान ही होती है कि सबको काटने को, आक्रामक उग्र स्वभाव के कुत्ते होते हैं ये। तो रेबीज एक वायरस, घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में पैदा होता है, यानी फैलता है, ठीक है। रेबीज वायरस आमतौर पर काटने से ही फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति रेबीज के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है तो यह रोग लगभग हमेशा मृत्यु का कारण ही बनता है। इस कारण से जिन लोगों को रेबीज होने का खतरा हो सकता है उन्हें सुरक्षा के लिए रेबीज के टीके क्या करने चाहिए, लगवाने चाहिए, ठीक है, और कुत्तों से बच के रहना चाहिए। रेबीज वायरस आपके शरीर में तब प्रवेश करता है जब किसी संक्रमित जानवर की लार यानी थूक में खुले घाव आमतौर पर काटने से मिल जाती है। यह आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र कौन है, मस्तिष्क, यानी रीढ़ की हड्डी में नसों के साथ बहुत धीरे धीरे चलता है। जब यह आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तो क्षति करता है, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बनता है। वहां से रेबीज वायरस संक्रमित व्यक्ति को कोमा और मौत की तरफ लेके जा सकता है। होता क्या है, मान लो ये रेबीज वायरस है, ठीक है, ये रेबीज वायरस जब काटता है ना तो ये जहां पे घाव हुआ है वहां से धीरे धीरे चलता हुआ कहां तक जाएगा, मस्तिष्क तक जाता है, ठीक है। और अगर एक बार ये मस्तिष्क में चला गया ना बेटा, उसके बाद में ये रिवर्स नहीं हो सकता, फिर चाहे रेबीज की कितनी भी दवाइयाँ दे दो वो असर ही नहीं करती। तो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अगर अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया तो ठीक है, वरना मौत निश्चित है। तो रेबीज शरीर को कैसे प्रभावित करता है, देखो घाव से होते हुए रेबीज वायरस व्यक्ति के मस्तिष्क तक चलता है, जैसे कि मैंने बताया, जिसकी वजह से वह संक्रमित को निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। ये चरण याद रखना, आप एग्जाम में लिख के आओगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। देखो कॉपी तो इतनी सारी आती है एग्जामिनर के पास में, आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अलग कैसे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो लिखना पड़ेगा ना। तो एक इनक्यूबेशन पीरियड,
प्रोडोमल चरण, तीव्र तंत्रिका संबंधी चरण और प्रगाल बेहोशी या फिर कोमा, ये चार चरण होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है बेटा? जिस दिन रेबीज वायरस अटैक हुआ यानी जिस दिन कुत्ते ने तुमको काटा, उस दिन से लेके जब तक का समय जब तक कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इसमें कोई भी लक्षण क्या नहीं करते, दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई नहीं देते, ठीक है, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। फिर है प्रोडोमल चरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण है। ये जो है 7 से 13 दिन के बीच तक का चरण होता है और इसमें क्या होता है, लक्षण दिखाई देते हैं। एकदम से फ्लू आएगा, जुखाम मतलब वायरस भी क्या बोलते हैं, बुखार जैसा फील होगा, हाथ पैरों में सुन्नत आ जाएगी, सुनपन आ जाएगा और जहाँ पे घाव है वहाँ पे जलन खुजली जैसा कुछ फील होगा, तो इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। प्रोडोमल चरण नाम है इसका, 7 से 13 दिन के बीच का होता है ये, है ना। इसमें फ्लू पैदा हो जाएगा, सुन्नापन आ जाएगा हाथ पैरों में, ठीक है, ऐसे कुछ लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन इस फेज तक आने के बाद में इलाज संभव नहीं है, है ना। इस इंक्यूबेशन पीरियड में आप टीके लगवा सकते हो, हो सकता है कि जो रेबीज का वायरस है वो घाव तक ही रह जाए, मस्तिष्क तक नहीं पहुंचे, लेकिन इस पीरियड तक आते आते धीरे धीरे मस्तिष्क तक जो है रेबीज वायरस चलना शुरू कर देता है। तीव्र तंत्रिका संबंधी चरण, यानी ये तंत्रिका तंत्र तक पहुंच चुका रेबीज वायरस और फिर उनको क्या करने लगेगा, क्षति पहुंचाने लगेगा और धीरे धीरे एक एक तंत्रिका को नष्ट करने लगेगा। इंसान को दौरे आने शुरू हो जाएंगे, इंसान जो एकदम कुत्ते की तरह व्यवहार करने लग जाता है, वो एक दूसरे को काटना, हॉस्पिटल्स में देखना ऐसे जो मरीज होते हैं रेबीज के उनको बांध के रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर बेहोशी या फिर कोमा, कोमा में जाने के बाद में तो आपको पता ही है कि वापिस आना मुश्किल होता है। तो देखो रेबीज के प्रोडोमल लक्षण दिखा रखे हैं बेटा, बुखार, थकान, काटने के घाव में जलन, खुजली, झुंझुनी, दर्द या सुन्नता, खांसी, गला खराब होना, मांसपेशियों में दर्द, मतली या फिर दस्त, तो इस समय कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके उग्र लक्षण कौन से हैं, यानी तंत्रिका तंत्र पर जब अटैक हो जाएगा उसके बाद, फिर तो ये मानो इलाज संभव है ही नहीं। इसमें क्या होगा, आक्रामकता बढ़ जाएगी, बेचैनी, दौरे, दौरे बताए ना कि कुत्ते की तरह उसको दौरे आएंगे, वो उसकी तरह ही भौंकने लगेगा इंसान, मति भ्रम मतलब उसको भ्रम होने लगेगा अलग अलग चीज़ों का, उसकी याददाश्त जो है वो गायब होने लगेगी, मांसपेशियों में मरोड़, बुखार, रेसिंग हॉट यानी टेचिकार्डिया, उसकी आवाज़ जो है वो कुत्ते की तरह आने लगेगी, तेजी से सांस लेना, हाइपर वेंटिलेशन, अत्यधिक लार, जैसे वो इस उन कुत्तों की पहचान भी यही होती है जो रेबीज जिनको डोगी को होता है ना, उसकी पहचान भी होती है कि उसके वो उसके मुंह से लार टपकती रहती है, तो इंसानों में भी ये लक्षण देखने मिलते हैं। दो अलग अलग आकार के प्यूपिल, प्यूपिल का जो आँख की प्यूपिल का साइज जो है वो अलग हो जाएगा, चेहरे का लकवा, चेहरे पे लकवा आ सकता है, पानी का डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। रेबीज जब अपने पीक पर पहुँच जाता है तो हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लग जाता है उस इंसान को, है ना, वाटर फोबिया हो जाता है। आपके चेहरे का एरोफोबिया, हवा में उड़ने का डर, ठीक है, और प्रलाप यानी चिल्लाना, ठीक है, ये लक्षण बेटा जो है वो रेबीज में देखने मिलेंगे। देखो कितना खतरनाक है रेबीज, एक बार काटने के बाद में इसके जो पीरियड हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है लक्षणों को चेंज करते रहता है, तो सही समय पर अगर टीकाकरण हो जाए तो इलाज संभव है, अदरवाइज मौत जो है वो निश्चित है, है ना। अब देखो बेटा, अब क्या है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी जो है कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, डी, ई, तो कई प्रकार का हेपेटाइटिस है। और देखो आजकल के जो बच्चे हैं ना बेटा, ये जो है हेपेटाइटिस का मतलब ही क्या है, लीवर का इन्फेक्शन, लीवर में होने वाली। हेपेटोलॉजिस्ट कौन डॉक्टर होते हैं, जो कि लीवर को देखते हैं। बायोलॉजी में अलग अलग टर्म है, जैसे जो ब्रेन के डॉक्टर हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, हार्ट के जो डॉक्टर हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, किडनी के जो डॉक्टर हैं उनको रेनोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार लीवर के जो डॉक्टर होते हैं उनको हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और हेपेटोसाइटिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है। और देखो आजकल तो इसके टीके भी लगने लगे, लेकिन जो पुराने समय के जो लोग हैं ये ज़्यादा एल्कोहल पीने से, ज़्यादा दवाइयाँ लेने से लीवर जो है वो डैमेज होने लगता है, लीवर सिरोसिस होने लगती है, लीवर में सूजन आने लगता है,
और ये कई बार कैंसर का रूप भी ले लेता है ना। तो हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस वायरस से होती है। तो हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर में सूजन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, सिरोसिस। कभी अपने घर में किसी की रिपोर्ट जांचने का देखने का मौका मिला तो देखना उसमें लिखा हुआ होगा लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर में सूजन। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं, ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी, सी और ऐड कर लो, ए बी सी डी और ई, 5 प्रकार के हैं ये। इन पांचों वायरस को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इनके कारण ही हेपेटाइटिस महामारी जैसी बनती जा रही है। महामारी आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, हर साल इसकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी जो है बेटा वो बढ़ता जा रहा है। हेपेटाइटिस का टाइप बी और सी लाखों लोगों में कोरोनिक, कोरोनिक का मतलब होता है लंबे समय से चली आने वाली बीमारी। कोई भी बीमारी दो तरीके की होती है, एक्यूट और कोरोनिक। एक्यूट मतलब वो थोड़े समय से चल रही है, उसका इलाज भी संभव है। कोरोनिक मतलब लंबे समय से, ठीक है। तो ये टर्म बायोलॉजी के आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि इनके कारण लीवर सिरोसिस है ना, लीवर में सूजन और कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और जन्म के बाद बच्चे को वैक्सीन देकर उसे हेपेटाइटिस से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। मेरा मकसद जो है आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ाना है, मैं आपको अवेयर भी करना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास वाली जो डिजीज़ है उनसे अवेयर रहें और जानें उनके बारे में कि कैसे जो है वो फैलती जा रही है हेपेटाइटिस। वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए बी और सी वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। ऑटो इम्यून स्थितियाँ अक्सर जो है हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को मारने लग जाता है तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं ना। कई बार हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो खुद ही की, जैसे मान लो अपने जो भारत है तो भारत की सेना है ना, तो सेना जो है वो अपनी देश की बाउंड्री की रक्षा करती है कि दूसरे देश के लोग एंटर नहीं कर जाएं, आक्रमणकारियों से रक्षा करती है। तो वैसे ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बाहरी जीवाणु विषाणु से हमारी रक्षा करता है। लेकिन सोचो हमारी सेना हमारी देश के लोगों को मारने लग जाए तो क्या होगा, तो गलत है ना वो। वैसे ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी शरीर की कोशिकाओं को मारने लग जाता है, उन्हीं को वो दुश्मन समझने लग जाए, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं बेटा वो। शरीर के इम्यून सेल से ये पता चलता है कि लीवर की सेल्स डैमेज पहुंच रही हैं, कई बार ये लीवर की कोशिकाओं को मारने लगता है। शराब पीना, एल्कोहल हमारे लीवर द्वारा डायरेक्टली मेटाबोलाइज्ड होता है, इसके कारण यह शरीर के दूसरे भाग में भी इसका सर्कुलेशन होने लगता है। इसलिए जब कोई बहुत अधिक शराब पीता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो उस व्यक्ति के लिए हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। दवाइयों का साइड इफेक्ट, आजकल छोटी छोटी चीज़ पे दवाइयाँ ले लेते हैं है ना, छोटा सा कुछ बच्चे के हुआ पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, तो दवाइयों से लीवर डैमेज होता है क्योंकि लीवर जो है हमारे शरीर का एक तरीके का जादुई अंग मानो तुम इसको। ये क्या करता है, कोई भी तुम हानिकारक तत्व दोगे ना तो सबसे पहले वो उससे लड़ता है, उसको साफ करता है, फिर शरीर के बाकी अंगों तक पहुँचता है। शराब भी तुम पीते हो अगर तो शराब जो है पहले लीवर तक जाती है, लीवर उसको फिल्टर करता है, खुद डैमेज हो जाएगा लेकिन बाकी ऑर्गन से उसकी क्या करता है, रक्षा करता है ना। लेकिन ज़्यादा पीने से तो वो डैमेज होगा। कुछ विशेष दवाइयों के ज़्यादा सेवन से लीवर सेल्स में सूजन होने लगती है और हेपेटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो इसके लक्षण दिखा रखे हैं, बुखार आना, उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, भूख न लगना, दिल घबराना, चक्कर आना। दिल घबराना तो भारत में नॉर्मल है ना। वजन कम होना, पेट में हल्का दर्द होना, ये सब लक्षण तो देखो अधिकतर बीमारियों के सेम ही होते हैं। लक्षण तो तुम आंख बंद करके भी लिख दोगे ना पेपर में, सबके कॉमन लक्षण होते हैं, लेकिन कॉज पता होने चाहिए सबके। तो जीवाणु जनित रोगों के अभी आप मेरे को कमेंट में कॉज बताओ, किस किस के बताओगे। देखो टाइफॉइड के, कि टाइफॉइड किससे होता है, निमोनिया किससे होता है। उसके अलावा मैंने तुम्हें कल बताया था, टाइफॉइड और निमोनिया के अलावा भी मैंने तुम्हें जीवाणु जनित रोग बताए थे, शायद मैंने तुम्हें टीबी भी बताया था, ट्यूबरकुलोसिस वो किसके कारण होता है, और डिसेंट्री बताया था, डिफ्थीरिया बताया था। इन पांचों के आप मेरे को कोज बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। विषाणु जनित जो रोग हैं वो आज हमने कवर कर लिए हैं। एक तो हमने जुखाम, सर्दी जुखाम देखा था, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, डेंगू देखा हमने, एडीज मॉस्किटो मच्छर की वजह से होता है, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई की वजह से होता है, और रेबीज, रेबीज वायरस यानी कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि मैडम आप हमें ये वाला वायरल डिजीज़ और कवर करवाओ तो मैं करवा दूंगी। देखो कोई इसके अंत तो है नहीं कि तुम कितने भी 10-15 वायरल डिजीज़ कवर कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो सफिशियंट है, ठीक है। आगे देखो बेटा, प्रोटोजोआ जनित रोग,
जो एनसीईआरटी में सीधा टॉपिक दे रखा है प्रोटोजोआ जनित रोग। अभी जीवाणु और विषाणु के अलावा अगला जो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मलेरिया, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम साइकिल है वो एग्जाम में आता ही आता है। मलेरिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये देखो इसका खतरनाक रूप मलेरिया फैल्सीफेरम होता है। नॉर्मल मलेरिया से तो हम ठीक भी हो जाते हैं लेकिन इसका एक रूप है फैल्सीफेरम। पुराने समय में लोग काले पानी की सजा जिसको देते थे ना, तो वो क्या करते थे, जेल में डाल देते थे कैदियों को और वहाँ पे मच्छर होते थे, मच्छर के खाने से उसको मलेरिया होती थी और उस इंसान की मौत हो जाती थी, तो काले पानी की सजा बोलते थे इसको। तो मलेरिया जो है एक मच्छर के काटने से होती है और मच्छर जो आपको दिख रही है ये फीमेल है एनाफिलीज। क्या नाम है? डायग्राम नहीं बनाना है इसका, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताई है, कहीं इसको कोर नहीं लग जाओ तुम, ठीक है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम एसपी के कारण होता है। इसकी कई वैरायटी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये फैल्सीफेरम जो है ये सबसे खतरनाक है, डेथफुल है ये, ये दे भी रखा है। फैल्सीफेरम सबसे गंभीर प्रकार के मलेरिया का कारण बनता है, यानी घातक मलेरिया जो कि घातक हो सकता है। मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है जो मानव शरीर में स्पोरोजोइट को स्थानांतरित करता है। होता क्या है बेटा, देखो समझो पहले इस चीज को, जो भी मच्छर होता है ना, जो मलेरिया का मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, इस मच्छर की लार में एक संक्रमण अवस्था होती है जिसको जो नाम दे रखा है स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। अच्छे से सुनो फिर हम समझेंगे भी, स्लाइड देखेंगे, पहले सुनो मेरी बात को ध्यान से। उस मच्छर की लार में स्पोरोजोइट होता है, वो स्पोरोजोइट जैसे ही ह्यूमन को काटता है तो वो उसकी लार के माध्यम से उसके रक्त में चला जाता है, मानव के रक्त में। मच्छर का मकसद नहीं था कि उस स्पोरोजोइट को उसमें डालना, लेकिन होता क्या है, मानव का जो रक्त होता है वो क्या होता है, उसका थक्का बाहर आते ही वो थक्का जमा लेता है। तो अब जो मच्छर की मजबूरी है कि उसको थक्के से बचना है अगर, यानी खून जम जाएगा अगर बाहर आके तो वो उसको पिएगी कैसे, है ना, तो वो क्या करती है, अपनी लार को उसमें इंजेक्ट करती है, अपनी लार को छोड़ती है ताकि वो खून को पी सके, है ना। तो जैसे ही वो लार को ह्यूमन की बॉडी में छोड़ती है तो स्पोरोजोइट चला जाता है। स्पोरोजोइट जाने के बाद में मानव के रक्त से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, वो लीवर में, यकृत की कोशिकाओं में। यकृत की कोशिकाओं में क्या होगा, जो स्पोरोजोइट है वो जो है साइजोइंट अवस्था पैदा करेंगे, यानी मीरोजोइट रिलीज होंगे। मीरोजोइट रिलीज होने के बाद में वो गैमिट, उनमें से कुछ मीरोजोइट जो है वो गैमिट बना लेंगे, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। अब ये दोनों मेल गैमिट फीमेल गैमिट जो है वो अलैंगिक साइकिल, अलैंगिक चक्र बना रहे अपना, है ना। अब ये मीरोजोइट, कुछ मीरोजोइट जो है मेल गैमिट बना लेंगे, कुछ फीमेल गैमिट, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक। और इस 5-6 दिनों के बाद में वो जो लीवर से बाहर निकलेंगे ये, तो अलग अलग आरबीसी रेड ब्लड रक्त, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको, उन पे अटैक करेंगे, और उस दौरान एक केमिकल रिलीज होगा हीमोजोइन। हीमोजोइन जैसे ही रिलीज होगा ना तो मानव को ठंड लग के बुखार आएगी, उस दिन उसको पता चलेगा कि मेरे को मलेरिया है, है ना, जब वो चेक करवाएगा। लेकिन 6-7 दिन पहले मच्छर खाया था, लेकिन सिम्टम्स कब आए, लक्षण जब कब आए, 7 दिन बाद। तो यही होता है कि मच्छर ने खाया, खाने के बाद में स्पोरोजोइट जो है वो घूमता घूमता लीवर में यकृत में गया, यकृत से वो मीरोजोइट में टूटा, मीरोजोइट से वो लाल रक्त कणिकाओं पे अटैक किया, लाल रक्त कणिकाओं से पदार्थ निकला, केमिकल पदार्थ, रसायन निकला, जिसको उसने नाम दिया हीमोजोइन। और ये जो हीमोजोइन है इसी के कारण हमें क्या आते हैं, ठंड लग के बुखार आती है। अब ये जो नर युग्मक मादा युग्मक है, अब ये जो मच्छर दोबारा मानव को रक्त को जब चूसेगा, सक करेगा, तो उससे ये उसकी कहाँ चले जाएंगे, आंत में। और ये जो नर युग्मक मादा युग्मक क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन करेंगे, और निषेचन से किस में परिवर्तित हो जाएंगे, फिर से स्पोरोजोइट में, और स्पोरोजोइट मच्छर की आंत से किस में आ जाएगा, उसकी लार में। और अब ये दोबारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो फिर से उस व्यक्ति में ये चक्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस चक्र को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम चक्र। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ध्यान से देखो अपनी किताब में, अच्छे से देखो किताब में, और उसको एक काम करना अभी समझाने के बाद में बिना देखे बना के देखना, क्योंकि हर बार पेपर में वो आता ही आता है। तो ये देखो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र चित्र में दिया गया है, देखेंगे हम अभी, देखेंगे ये देखो, ये है, ये मच्छर आप लोगों को दिख रहा है फीमेल एनाफिलीज। इसने जैसे ही खाया, इसकी लार में क्या थे, इन शब्दों पे मत जाओ, ज्यादा लिखने भी नहीं है तुम्हें पेपर में, बस नाम याद रखना स्पोरोजोइट। क्या होता है इसके पास में, स्पोरोजोइट।
ये स्पोरोजोइटिस ने छोड़ दिया इंसान की बॉडी में, और वो इंसान जो है वहां से उसकी बॉडी से किस में गई, ये देखो ये क्या दिख रहा है, यकृत, लीवर, लीवर है ये तुम्हारा। अब यकृत में गई, यकृत के बाद में साइजोंट अवस्था बनी, साइजोंट से ये किस में परिवर्तित हुए, मीरोजोइट, मीरोजोइट, ठीक है। अब मीरोजोइट, कुछ मीरोजोइट जो है वो जननाणु बना लिया उन्होंने यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, और ये लाल रक्त कणिकाओं पे क्या करने लगे, अटैक। लाल रक्त कणिकाओं पे जब ये अटैक करेंगे, एक एक लाल रक्त कणिका को अटैक करेंगे उस पे, तो वो एक केमिकल रिलीज होगा बेटा, उसको बोलेंगे हीमोजोइन। ये जो हीमोजोइन केमिकल है उस समय ठंड लग के बुखार आएगी, तो ये जो अलैंगिक चक्र है ये मनुष्य में हो रहा है, मादा का इस मच्छर का अलैंगिक चक्र जो है वो किस में पूर्ण हो रहा है, मनुष्य में। ये देखो यहाँ लाइन खींच रखी है, तो ये मनुष्य में। अब जैसे ही ये जननाणु को ये मच्छर फिर से खाएगी, तो ये इसके किस में चले गए, आंत में, ठीक है। आंत में जाने के बाद में ये फिर से स्पोरोजोइट में परिवर्तित हो गए, और ये स्पोरोजोइट मच्छर के लार में आ गया, और अब ये लार से फिर किसी मनुष्य को खाएंगे, तो ये चक्र जो है ये चलता रहेगा। ध्यान से सुन लो, समझना जरूरी है इसको। वो मच्छर की लार में स्पोरोजोइट अवस्था होती है, स्पोरोजोइट जब इंसान को खाता है तो उसके अंदर मीरोजोइट अवस्था जाती है, मीरोजोइट से नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक के जुड़ने से फिर से स्पोरोजोइट अवस्था बनती है, ठीक है। तो देखो थ्योरी, देखो अब लिखनी है साथ साथ में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब ये एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, पहले ये देखो, प्लाज्मोडियम पर जीवियों का एक जटिल जीवन चक्र होता है जिसमें तीन चरण शामिल होते हैं। पहला है गैमेटोसाइट यानी गैमेट, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, ठीक है। तो गैमेटोसाइट क्या है, नर गैमेटोसाइट जिसे क्या कहेंगे, माइक्रोगैमेटोसाइट, और मादा गैमेटोसाइट जिसे बोलोगे मैक्रोगैमेटोसाइट, ठीक है। रक्त भोजन के द्वारा एनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से प्रसारित होते हैं, ये जो है मच्छर में चले जाएंगे भोजन के माध्यम से, मच्छर के भीतर गैमेटोसाइट जुड़ के क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइट। नर और मादा गैमेटोसाइट मच्छर की आंत के अंदर संभोग करते हैं, संभोग का मतलब जुड़ते हैं, और 15 से 18 दिन के बाद वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, स्पोरोजोइट में, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजोइट है, दूसरी अवस्था है जो कि संक्रमण की अवस्था है, यही स्पोरोजोइट हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो जब संक्रमित मच्छर मनुष्य को खाता है तो स्पोरोजोइट लार के माध्यम से रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं, उसके बाद ये स्पोरोजोइट यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। ऐसा डायग्राम था कि नहीं था, ऐसा तो नहीं था। यकृत, यकृत बनाना आता है मेरे को भी आता है, ये यकृत, ठीक है। तो इसमें प्रवेश कर गया कौन, स्पोरोजोइट, ठीक है, यकृत में प्रवेश कर गए, और यहां वे सिनोजोइंट्स यानी साइजोइंट्स में परिपक्व होते हैं। ये इसके अलावा बाद में किस में परिवर्तित होंगे, साइजोइंट, साइजोइंट अवस्था है बेटा ये। बाद में ये स्पोरोजोइट टूट जाते हैं और किस में परिवर्तित हो जाएंगे, मीरोजोइट में। अब ये किस में परिपक्व हो जाएंगे, मीरोजोइट, मीरोजोइट। और बेटा इसमें से कुछ मीरोजोइट जो है वो नर युग्मक और मादा युग्मक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो मीरोजोइट जो है इसमें क्या होगा, अगले एक या दो सप्ताह में प्रत्येक साइजोइंट कई अन्य रूपों को बनाने के लिए गुणा हो जाता है, जिसे मीरोजोइट के रूप में जाना जाता है। मीरोजोइट लीवर से बाहर निकलते हैं, फिर से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, और यहाँ से वे लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC पर हमला करते हैं। उस प्रक्रिया में सभी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करते हुए मीरोजोइट आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं कुछ मीरोजोइट गैमेटोसाइट में विकसित हो जाते हैं, जो बाद में मच्छर द्वारा रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, और पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। सोच के देखो, ये नर युग्मक मादा युग्मक मच्छर जब फिर से अपने शरीर में ले गए, तो ये फिर से स्पोरोजोइट में परिवर्तित होंगे। तो ये तीन चक्र हमेशा शामिल होंगे, गैमेटोसाइट, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, गैमेटोसाइट, मीरोजोइट, स्पोरोजोइट, ठीक है। जो यह है एक विष छोड़ती है, देखो जब लाल रक्त कणिकाओं पे अटैक किया जाता है ना, तो उस समय एक विष छोड़ा जाता है, विष का नाम है हीमोजोइन। बुक में दे नहीं रखा, लेकिन तुम्हें याद रखना है, विष जो है उसका नाम है हीमोजोइन, ठीक है। जो हड्डियों को कपाने वाली ठंड और बुखार का कारण बनती है। तुम्हें कभी ठंड लग के बुखार आई, एक दो तरीके की बुखार होती है, एक तो नॉर्मली बुखार आ जाए, एक ठंड लग के फिर बुखार आए, तो हो सकता है मलेरिया हो,
अत्यधिक ठंड लगना और बुखार मनुष्यों में मलेरिया का क्लासिक लक्षण है, ठीक है। तो ये मलेरिया का लक्षण है। निष्कर्ष क्या निकला बेटा इससे कि प्लाज्मोडियम का विकास पिछले 120 मिलियन वर्षों से कशेरुकी विकास के समांतर विकसित हुआ है, इसलिए प्लाज्मोडियम नए मेजबानों के माध्यम से चला है, जिसके बाद उन मेजबानों के लिए अनुकूलन होता है जो प्लाज्मोडियम के विकास का प्राथमिक कारण दर्शाता है। प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियों को चिंपेंजी से अलग किया गया, इसकी कुछ प्रजातियों को गोरिल्ला से अलग किया गया। ये देखो कई प्रजातियाँ दे रखी हैं, तुम्हारे लेवल पर इंपॉर्टेंट कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ओवले भी याद रख लेना, प्लाज्मोडियम ओवले। गोरिल्ला से कुछ को सरीसर्पों से अलग किया गया, जैसे प्लाज्मोडियम फ्लोरिडेंस, इसको सरीसर्पों से, और पक्षियों से भी प्लाज्मोडियम रेलिक्टम और प्लाज्मोडियम जक्सटाइलुकुलर शामिल है। तो सिर्फ और सिर्फ एक दो याद रख लेना कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम फ्लोरिडेंस, ये कुछ इसकी क्या है प्रजातियाँ। किसके द्वारा फैलता है ये, फीमेल एनाफिलीज। अच्छा बताओ डेंगू किसके द्वारा फैलता है, एडीज एजिप्टी। क्या नाम था, एडीज एजिप्टी, ठीक है, मच्छर है ये भी। तो ये जो है प्लाज्मोडियम साइकिल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके आगे का देखने से पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी। बहुत देर हो गई एनसीईआरटी को देखा ही नहीं, जो मैडम पढ़ा रही है वो सही तो पढ़ा रही है क्या, इसको चेक करना पड़ता है। तो मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं। आपने मलेरिया अभी सुन के आए के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग है जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। मैंने बताया ना पुराने समय में आज़ादी से पहले भी मलेरिया होता था, काले पानी की सजा। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। कितना छोटा होता है प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम की कई जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और तुम याद रखो मत रखो, एनसीईआरटी वाली तो याद रखनी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं, इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मैलिग्नेंट का मतलब होता है मौत जिससे आ जाए, गंभीर है, ये घातक होता है। पता है हमें ये घातक होता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो ये चक्कर दे रखा है ना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम समझेंगे अच्छे से ताकि तुम्हें ये बिना देखे भी बनाना आ जाए। आई एम सॉरी, ये चल गया इधर, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी मेरे को ये बोर्ड अच्छे से चलाना ही नहीं आया। हाँ तो देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से क्या दे रखा है, तुम्हारी बुक खोल के बैठो अगर तुम्हें इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा। सबसे पहले देखो ये मच्छर है, इस मच्छर ने क्या काटा मानव को। तो पहला, जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु परिपक्व संक्रमण अवस्था, यहां से देखो कि जब जीवाणु को काटने के बाद मानव के शरीर में चले जाते हैं, कि जब मच्छर ने काटा मनुष्य को तो वो जो जीवाणु है स्पोरोजोइट किस में चले गए, मनुष्य के अंदर चले गए। अब जैसे ही वो मनुष्य के अंदर चले गए तो मनुष्य में कौन सा, यकृत में गए, परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले गए, स्पोरोजोइट जो है वो मनुष्य के रक्त में चले गए। रक्त में जाने के बाद में वो लाल रक्त कणिकाओं पे अटैक करेंगे, तो परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो परजीवी किस पे अटैक करेंगे, लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है, यानी ये मीरोजोइट अवस्था की बात कर रहा है कि मीरोजोइट जो है वो आगे चल के नई लाल रक्त कणिकाओं को भ्रष्ट करेंगे। ये देखो फूट रही है ना, ये तो ऐसे करके ये फटने लग जाएंगी और इससे नर युग्मक व मादा युग्मक बनेंगे। तो नर युग्मक व मादा युग्मक फिर से मच्छर द्वारा शरीर में प्रवेश करेंगे, मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनों को अंदर ले लेती है। अब ये देखो मच्छर ने फिर से उसको क्या ले लिया, अंदर निषेचन होगा मच्छर के अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक का, जिससे क्या होगा, वो कहाँ होगा, उसके अमाशय में, और इसकी लार में फिर से जीवाणुज अवस्था यानी स्पोरोजोइट। जीवाणुज अवस्था का मतलब है स्पोरोजोइट अवस्था लार में फिर से बन जाएगी, और जब ये मच्छर फिर उस मनुष्य को खाएगा तो ये लार से स्पोरोजोइट फिर से मानव के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को प्लाज्मोडियम चक्र।
आगे देखो, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। संक्रमित मादा एनाफिस मानव को काटती है। प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है, जिससे लाल रक्त कणिकाएं जो है फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है। जो वो पदार्थ जो मैं बता रही थी ना, जिससे हमको लक्षण दिखाई देंगे, वो हीमोजोइन है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल में आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मानव एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनको आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बनाते हैं, यानी स्पोरोजोइट बनाएंगे, और उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब ये मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणुज यानी स्पोरोजोइट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। यानी ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो परजीवी है, इसको अपना चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषी चाहिए, मनुष्य भी चाहिए और मच्छर भी चाहिए। मादा एनाफिलीज रोग वाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाला भी है, ठीक है। तो हमने एक प्रोटोजोअन बीमारी पूरी कर ली है जिसका नाम क्या है, मलेरिया। मच्छर का नाम है एनाफिलीज और इसके दो चक्र होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। इसका अलैंगिक चक्र मानव के शरीर में पूर्ण होता है और इसका लैंगिक चक्र जो है वो मच्छर के शरीर में पूर्ण होता है। और इसकी जो संक्रामक अवस्था है वो है जीवाणुज अवस्था यानी स्पोरोजोइट, जो कि इसकी लार में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो अगली प्रोटोजोन बीमारी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो पहले इसको समझते हैं फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। ये देखो ये अगली जो है दे रखी है, ये तो ये सीधा ऐसे दिखा रखा है कि डीडीटी और बीएचसी आदि का छिड़काव करने से, मच्छरदानी का उपयोग करने से हम इन मच्छरों को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। अगली बीमारी है अमीबियसिस। क्या नाम है, अमीबियसिस, ठीक है बेटा। तो अमीबियसिस जो है वो अमीबिक पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्या नाम है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। ये एक प्रकार का प्रोटो जो है जो मनुष्य की बड़ी आंत में इन्फेक्शन करता है। होता क्या है, दूषित भोजन या दूषित पानी के द्वारा ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के जो स्पोर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और फिर आंत में जाके क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं बड़ी आंत में, ठीक है। और इससे पेट में दर्द होता है, थोड़ा बहुत दस्त लगते हैं, तो मानव को पता ही नहीं चलता कि मेरे को जो है वो कौन सी बीमारी है, प्रोटोजोअन बीमारी है, ठीक है। रोगजनक का वाहक घरेलू मक्खी है। इसका वाहक, वाहक का मतलब होता है जो बीमारी को कैरी करता है, फैलाते हैं। जैसे डेंगू को भी मच्छर फैला रहा था, मलेरिया को भी मच्छर, तो वो रोग वाहक है, वैसे इस बीमारी के वाहक जो है मक्खी हैं। ये परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से भोजन तक पहुंचाता है जिससे वे दूषित हो जाते हैं। देखो होता क्या है, मक्खियां जो है वो मल वगैरह गोबर वगैरह पे बैठती हैं और फिर वो उड़ के भोजन पे बैठ जाती हैं। तो भोजन से तुम गोलगप्पे वगैरह खाने जाते हो तो वहाँ पे मक्खी वगैरह होती है, तो मक्खी जो है उसकी क्या है, वाहक है। घरेलू मक्खी का मतलब, इस मक्खी का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, फ्रूट फ्लाई का नाम मेरे को ध्यान है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ठीक है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम तुम सर्च करके देखना, घरेलू मक्खी को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है ना, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए तुम सर्च कर सकते हो घरेलू मक्खी का, या फिर मैं कल आप लोगों को बता दूंगी। तो घरेलू मक्खी जो है इसकी वाहक है और ये है इस बीमारी को फैलाती है जिससे वे दूषित हो जाता है। संक्रमण मुख्यतः दूषित भोजन और पानी से होता है। लक्षण क्या है, पेट में दर्द, कब्ज, ऐंठन, अधिक श्लेष्मायुक्त मल और रक्त के थक्के। कई बार जो वो है मल है उसके साथ में रक्त भी बाहर आने लगता है। अमीबियसिस, क्या नाम है बीमारी का, अमीबियसिस। ये देखो ये है अमीबा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नाम क्या है, थोड़ा अजीब सा है ना, लिखूं क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ए
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से ये बीमारी होती है। ये हमारी आंत है और इसमें आंत में इसका क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर दैट। अब देखो कवक रोग, कवक रोग कौन से होते हैं? जैसे हमने प्रोटोजोआ जनित रोग देखे जो प्रोटोजोआ से होते हैं, पेपर में ऐसे भी आ सकता है प्रोटोजोआ जनित रोगों को उदाहरण से समझाओ। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा प्रोटोजोआ जनित रोग, जैसे कि मलेरिया और एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब जो है कवक जनित रोग, कुछ बीमारियां जो है कवकों से भी फैलती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, दाद खुजली, ये सब जो होता है ये कवक जनित रोग होते हैं। तो इनसे होने वाली बीमारियां एनसीईआरटी में कौन कौन सी दे रखी है, दाद, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपीमोर्फोफाइटन जेनरा, यानी जीनस जो है कवकों के कारण होती है। संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण में आने से, मिट्टी से और संक्रमित व्यक्ति की तौलिए, कपड़े, कंघी आदि के उपयोग से होता है। गर्मी और नमी में जो है कवक बहुत आसानी से ग्रो करती है, इसलिए शरीर को पहले पूरा पोंछना चाहिए क्योंकि नमी वाली जगह पे ये ग्रो करती है। त्वचा की परतों, कमर या पैर की उंगलियों के बीच में ये बढ़ सकती है। दाद के लक्षण क्या होते हैं, त्वचा, नाखून, खोपड़ी पर सूखे पपड़ीदार घावों का दिखना और साथ में तीव्र खुजली होना। खुजली इसलिए होती है कि बेटा आपकी जो त्वचा की 5 परतें हैं तो ऊपर वाली परत पर अगर दाद हुआ है तो खुजली होगी। खुजली होने से आप उसको खुजाओगे अगर आप, तो वो जो है वो नीचे वाली त्वचा तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप खुजाओगे नहीं तो वो अंदर कैसे ग्रो करेगी। तो खुजाना नहीं चाहिए दाद वगैरह हो तो, क्योंकि वो अंदर की परतों पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हैं। ये देखो ये दाद, खुजली, ये देखो इस पप्पी को भी हो रखा है, ज़रूरी नहीं मानव को, ये देखो यहाँ पे। तो ये कवक से होने वाला इन्फेक्शन है। एनसीईआरटी में देखते हैं कुछ बता रखा है क्या इसके बारे में। देखो मानव की वृहद आंत में पाए जाने वाला एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबता, इस बीमारी को अमीबियसिस या अमीबी अतिसार कहते हैं, जो हमने प्रोटोजोआ में देखा उसके बारे में। इसमें कब्ज होगी, उदरीय पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है। घरेलू मक्खियां इस रोग की क्या होती है, वाहक होती हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती हैं। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। सामान्य गोल कृमि, एस्केरिस और फाइलेरिया कृमि, वाउचेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। ये जो है ये कीड़ों से आने वाली बीमारियां हैं जो कि अभी हमने देखी नहीं है। पहले कवक वाली देख लेते हैं, उसके बाद इनको देखेंगे, वरना समझ नहीं आएगी। देखो पहले कवक वाली देखते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपीमोर्फाइटोन, ये नाम याद रखना, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपीमोर्फाइटोन, ये जो वंश हैं इसकी कवक जो है दाद, रिंग वर्म के लिए उत्तरदायी है। ये संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों, त्वचा, नाखून और स्कैल्प पर सल्की स्केली लीजन इस रोग के प्रमुख लक्षण है। ये देखो यहाँ पे दाद हो रखा है इसको, त्वचा के दाद प्रभावित क्षेत्र। इन विषक्तियों से तेज खुजली होती है। उष्मा और नमी इन कोकों को त्वचा के वलनों जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद उंगलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कंघे आदि से क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो अभी देख रहे थे हेल्मथीज जनित रोग। ये देखो हेल्मथीज यानी कीड़ों से होने वाले रोग। तो देखो एस्केरियसिस जो है एक बीमारी है बेटा। इसमें क्या होता है, जो एक गोल कृमि है जो कि तुमने अगर 11वीं क्लास में पढ़ा हो, एक किंग फाइलम है जो एनिमल किंगडम तुमने पढ़ा है ना, प्राणी जगत, उसका एक फाइलम है, उसका नाम है एसके हेल्मथीस। उसका एक सदस्य है एस्केरिस, एक कीड़ा है जो कि क्या करता है, मानव पे अटैक करता है। तो उससे जो बीमारी होती है आंत में अटैक करता है, एस्केरियसिस, बीमारी का नाम है एस्केरियसिस। तो जो आंतों के एंडो परजीवी, एंडो का मतलब अंदर, एस्केरिस लुब्रिकोइड्स जिसे आमतौर पर राउंड वर्म, राउंड जैसे कि ऐसा होता है तो इसलिए इसको राउंड वर्म कहा जाता है,
होता है। संक्रमण तब होता है जब परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ उत्सर्जित होते हैं, जो पानी, मिट्टी, पौधों आदि को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, सब्जियों, फलों, पानी के माध्यम से मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। ये जो लोग बाहर खुले में शौच आदि करके आते हैं तो उससे वो फलों, सब्जियों में चले जाते हैं अंडे इसके, और फिर जब हम बिना धोए इसको खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका संक्रमण फैलता है। रोग के लक्षण: पेट दर्द, अपच, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, एनीमिया, मतली, सिरदर्द, आंतों के मार्ग में रुकावट। अब है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस जो है एक मच्छर है, क्यूलेक्स नाम का एक मच्छर है, उसके काटने से फैलता है। ठीक है, वाउचरेरिया वर्म है, वाउचरेरिया कीड़ा है जिसकी वजह से ये फैलता है। इसमें क्या होता है, इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं इस बीमारी को, क्योंकि इसमें पाँव जो है वो हाथी जैसा मोटा हो जाता है। लिम्फ नोड जो है हमारी, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, और ये जो हमारे जो जनन अंग हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो इसकी जो है हेलमथीज वाली जो रोग है वो दो याद रख लेना, एक तो है फाइलेरियासिस, एस्केरेसिस। ठीक है, तो फाइलेरियासिस के बारे में देखते हैं। ये एक फाइलेरिया कृमि, वाउचरेरिया ब्रेनकॉफ्टी और वाउचरेरिया मलाई के कारण होता है। क्यूलेक्स मच्छर जो मादा है, सारे रोग मादा ही मच्छर करती हैं, जननांग अंग भी प्रभावित होते हैं जिससे उनमें विकृति आ जाती है। लक्षण उन अंगों की सूजन है, इसका लक्षण अंगों की सूजन है जिनमें वे कई वर्षों तक रहते हैं। आमतौर पर निचले अंगों के लिम्फ वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सूजन होती है, इसीलिए इसे एलिफेंटेसिस भी कहा जाता है। ये देखो इसके पैर में कौन सी रोग है, कौन सी बीमारी है, एलिफेंटेसिस, फाइलेरियासिस, वाउचरेरिया, एक ही नाम है, कौन सा भी नाम याद रख लो, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, वाउचरेरिया भी याद रख सकते हो, उसके अलावा एलिफेंटेसिस भी याद रख सकते हो। ये नोट्स में होना चाहिए नाम, तीनों में किसी के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में। देखो इसमें हाथी पांव बोलते हैं इस बीमारी को, कि वो हाथी जैसे हो जाते हैं, और जनन अंगों में भी सूजन आ जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं कभी पिता या फिर माता नहीं बन सकते, क्योंकि जनन अंग भी प्रभावित होते हैं इससे। तो दो बीमारी अभी हमने जीवाणु जनित 5 देखी थी, विषाणु जनित शायद 4 देखी थी, फिर प्रोटोजोआ जनित 2 देखी थी, मलेरिया और अमीबियसिस, फिर हमने कवक जनित देखी थी, ट्राइकोडर्मा और फंगल इन्फेक्शन जो देखे थे, फिर हमने हेलमथीज जनित बीमारियां जो हैं वो दो देखें, फाइलेरियासिस और एस्केरेसिस जो एस्केरेसिस वर्म से होती है जो कि आंत में होती है, फाइलेरियासिस जो है वो पैरों में होती है, इसे हाथी पांव भी कहते हैं। क्लियर दैट? ये देखो ये है एस्केरेसिस। ये एस्केरेसिस वर्म है बेटा, ठीक है, ये कीड़े जो हैं ये बड़ी आंत पे अटैक करते हैं, इस वजह से ये बीमारी होती है। अब देखो संक्रमण रोगों से बचने के रोकथाम के उपाय पूछ रखे हैं कि कैसे अपन इन लोगों से बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता, ये कोई बताने की बात है, सबको पता है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, स्वच्छ पेयजल, भोजन, सब्जियों इत्यादि को अपने को ध्यान रखना चाहिए। रोग वाहक को खत्म करने के लिए उपचार करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, रोगों के लिए टीकाकरण करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयों का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, और ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, एक हद तक यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा करने पे क्या होगी, दिक्कत। अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, जो हमने हेलमथीज वाला टॉपिक छोड़ दिया था उसको कवर करते हैं। ये देखो सामान्य गोल कृमि, एस्केरेसिस और फाइलेरिया कृमि, वाउचरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो कि मनुष्य के लिए रोगजनक है। आंत्र परजीवी एस्केरेसिस में एस्केरियता बीमारी का नाम है एस्केरेसिस नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण संदूषित पानी, सब्जियों, फलों आदि के सेवन से फैलता है। तो मतलब खाने पीने की चीज़ों को अगर तुम देख के और ध्यान से खा रहे हो ना, तो तुम 90% बीमारियों से बच सकते हो। वाउचरेरिया ब्रोनकॉफ्टी और मेलाई, दो इसकी प्रजाति है बेटा। ये फाइलेरियाई कृमि है, इसके कारण अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिका वाहिनिकाओं यानी लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालीन शोथ होता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं और यह रोग हस्तीपाद, हाथी पांव, शलीपाद अथवा फाइलेरिया, फाइलेरियासिस कहलाता है। जननिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित होते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं। रोगवाहक दो
मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित होता है। तो वो मादा मच्छर का नाम क्या था? क्यूलेक्स, ठीक है। और ये है कवक जनित रोग, ठीक है। तो हमने रोग जो है वो सारे कवर कर लिए एक तरीके से। संक्रामक रोग, अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता में शरीर को साफ रखना, डेली नहाते हो कि नहीं नहाते हो तुम लोग? पीने के लिए साफ पानी फिल्टर यूज करना चाहिए। खाना शाक सब्जियां फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अवशिष्ट पदार्थ और मल मूत्र यानी एक्सक्रीटरा का समुचित निपटान करना चाहिए। जलाशयों कुंडों और मल कुंडों को साफ रखना चाहिए। विसंक्रमण तथा जन खान पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना चाहिए। ये उपाय विशेष रूप से अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना। जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थों पानी के द्वारा संचारित होते हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबा, एस्क्रेसा, निमोनिया, जुखाम, इन सब से अपने को बचना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी दे रखी है रोगों से बचने के लिए, तुम इसको पढ़ लेना। अब कल हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। किसके बारे में? प्रतिरक्षा। तो हमारे संक्रामक रोग बेटा पूरे हो गए हैं, आज के लिए बस इतना ही। कल हम प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक के नोट्स इसके बना लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।